हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आस्क मैट कैम में। ये एक हम छोटी सी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि आपके द्वारा पूछे गए मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आंसर करेंगे। तो आज का जो आस्क मैट कैम का पहला एपिसोड कह सकते हो या फिर पहला क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देने जा रहे हैं आस्क मैट कैम में, वो है कि अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं हमारे दिमाग में, जैसे सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हमें फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरा सवाल हमारे सामने आता है, अगर इसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, कंप्लीटली इसे लीव कर देते हैं, तो उस कंडीशन पर पहले तो करना चाहिए, और दूसरा कंडीशन अगर हम इसे कर ही दे रहे हैं कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इसको छूने की, हम इसको छोड़ ही दे रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर बहुत परेशानी है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हम क्या है छोटे मोटे टॉपिक्स ऐसे जो पढ़ ही ले, जो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो फिजिकल के कि इतने पढ़ लो और कुछ ना करना पड़े। तो CSIR नेट में फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है खेल, चलिए आज सीखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का एक फितूर है। क्या है? आपके दिमाग का एक और सिर्फ फितूर है। अगर आप ठान लें कि आपको वो टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक सीखना है, और सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपको वो टॉपिक नहीं आता है, तो आधे से ज्यादा सवालों का जवाब आपको वहीं मिल जाता है। बट CSIR नेट का एग्जाम आने वाला है 2 महीने में, इसलिए अगर आप अपने आप को फिजिकल केमिस्ट्री में वीक पा रहे हैं इस समय, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं और पूरी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, इसलिए अब आपके इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग तरीके से इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग नॉर्मली इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका एग्जाम काफी लंबे टाइम पर है, तो भाई आप सब कुछ छोड़ दीजिए और अगला 2 महीना 1 महीना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पर दे दीजिए, प्रैक्टिस करिए और फैकल्टी को पकड़ लीजिए, जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, और आप हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपको फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात इंपॉर्टेंट है ये कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अपने आप दिमाग को खराब करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उस दिमाग खराब होने के पीछे के रीजन को फैकल्टी से पूछ के, अपने टीचर से पूछ के, फिर आपको उन जवाबों को, जब आपको वो जवाब मिलेंगे, तो आपको अपने मन से फिजिकल केमिस्ट्री में धीरे 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 पता चलेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम का। ये तो बात रही लॉन्ग टर्म वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपका नेट का एग्जाम 2 महीने 3 महीने में होने वाला है, तो फिर आप सबसे पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक को क्या छोड़ देना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री को नेट के एग्जाम के लिए अब छोड़ना कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी एग्जाम के लिए आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली छोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से कुछ ऐसे नंबर्स मिस करा देगी जो नंबर आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात, टॉपिक को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो अगर टॉपिक को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, तो फिर आपको टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं CSIR नेट के लिए, तो उन टॉपिक्स के मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, उन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला है केमिकल काइनेटिक्स, 11th 12th से पढ़ते हुए इस टॉपिक को आ रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स जरूर पढ़ें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और एट लीस्ट ध्यान रखिएगा मैं जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूं इसमें आपको इतना कम से कम इतनी नॉलेज तो ले ही लेनी है कि उस टॉपिक के जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एट लीस्ट आपको करने आने चाहिए। पूरा महारत हासिल नहीं करोगे आप, लेकिन उस इन टॉपिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आपको केमिकल काइनेटिक्स करना है, सेकंड आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री करना है, और इसके बाद आपका क्या आता है पॉलीमर केमिस्ट्री करना है, और पॉलीमर केमिस्ट्री के बाद आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करनी है, और क्वांटम केमिस्ट्री पढ़नी है अप टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम तक पढ़ लो या फिर हाइड्रोजन एटम से पहले तक पढ़ लो, कम्यूटेटर होते हैं कुछ, जहां तक जितनी हो सके क्वांटम केमिस्ट्री आप हाइड्रोजन एटम से पहले तक या फिर हाइड्रोजन एटम तक आप क्या कर लें
क्वांटम को पढ़ लें। तो ये 5-6 टॉपिक हैं, आप ध्यान रखिएगा। केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है फोटोकेमिस्ट्री, फिजिकल में ही। तो केमिकल काइनेटिक्स और उसके साथ जुड़ा हुआ फोटोकेमिस्ट्री है, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं आइसोथर्म बेस्ड पर, उनको पढ़ लीजिएगा। पर फिर से हम लोग फाइनल, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक। देखिए केमिकल काइनेटिक्स, उसमें फोटोकेमिस्ट्री होती है, आप चाहें तो पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स आपको आनी चाहिए। सेकेंड आपकी केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद थर्ड आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ आपकी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, फिफ्थ आपकी थर्मोडायनेमिक्स, सिक्स्थ आपकी क्वांटम केमिस्ट्री हाइड्रोजन एटम से पहले तक, और इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री आपकी सेवेंथ नंबर पर, और एट्थ नंबर पर आपकी थर्मोडायनेमिक्स। तो इन टॉपिक को आप जरूर कर लेना, इन टॉपिक्स के आप टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और कैसे आप इनको टॉपिक्स को कैसे कवर करोगे, तो आप इस टॉपिक को पढ़ो, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो उसे एनसीईआरटी से पढ़ लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैट केम क्लासेस ला रहा है, 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, तो उसके लिए आप वेट करिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर ही सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से जो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के आस्क मेडकेम के पहले एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंतजार करना मत भूलिए 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ मेडकेम क्लासेस। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और अगले क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए सब लोग फटाफट आस्क मेडकेम के चैनल, आस्क मेडकेम में आप अगला कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं जिसका जवाब हम यहां पर आप सभी के साथ आकर जुड़कर दें। तो अगर आपके कमेंट्स में से कोई भी ऐसा कमेंट हमें मिलता है जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल है, तो उस पर एक एपिसोड जरूर बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए, और यूट्यूब पर इंतजार करते रहिए मेडकेम क्लासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का, और मेडकेम के ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मेडकेम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन।